नमो राघवाय बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। यह आठवां अध्याय है जो हम और आप श्रवण कर रहे हैं। यह अक्षर ब्रह्म योग है। यह आठवां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री सीता। भगवान श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, आपने जिस ब्रह्म अध्यात्म कर्म अधिभूत और अधिदेव की बात कही है, वे क्या हैं? हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे हैं? संयतम अंतःकरण वाले अंत समय भगवान को कैसे जान लेते हैं? श्री कृष्ण भगवान ने उत्तर दिया, है अर्जुन, सदा अविनाशी परमात्मा ब्रह्म है अथवा स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म कहा जाता है। भूतों के भावों को उत्पन्न करने वाला शास्त्र विदित यज्ञदान होमादि त्याग पूर्वक किया हुआ श्रेष्ठ व्यापार कर्म है। उत्पत्ति विनाश स्वभाव वाले सब पदार्थ अद्भुत हैं। हिरण्य पुरुष अधिदेवत हैं और हे पुरुषोत्तम श्रेष्ठ अर्जुन, मैं ही अधियज्ञ हूँ। शरीर छोड़ने के समय जो पुरुष मेरा भगवान का स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है। जब मनुष्य शरीर छोड़ता है उस समय भगवान के स्मरण करता है, शरीर छोड़ता है, वह निस्संदेह मेरे साचा स्वरूप को प्राप्त होता है। अथवा वह मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़ता है उस संस्कार से संस्कृत हुआ वह उसको ही प्राप्त होता है। इसलिए तू सब समय निरंतर मेरा भगवान का ही चिंतन कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में ही मन और बुद्धि को लगाए रखने से मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। हे पार्थिव, निश्चय है कि परमेश्वर के ध्यान रूप अभ्यास योग से मुक्त किसी अन्य और न जाने वाले चित्त से निरंतर उस ही को चिंतन करने वाले उस पुरुष परमेश्वर को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य सर्वत्र अंतर्यामी होकर प्राणियों के स्वभाव कर्मों द्वारा उनका चिंतन नियंत्रण रखने वाले सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म चराचर जगत को धारण करने वाले वाणी और मन से अगोचर सूर्य सदस्य नित्य चेतन अव्यक्त प्रकृति से उत्कृष्ट परमात्मा का स्मरण करता है। वह भक्ति युक्त पुरुष समाधि में निरंतर अभ्यास के कारण अंतकाल में भी भोगों के बीच सुपूर्ण द्वारा प्राणवायु को स्थापित कर निश्चय मन से उसका स्मरण करता है। वह इस दिव्य स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त होता है। वेद के जानने वाले विद्वान जिस अविनाशी का स्वरूप बताते हैं, आसक्ति रहित अंतरशील कर्मयोगी जिनको प्राप्त होते हैं, जिनको चाहते हुए ब्रह्मचर्य का अभ्यास करते हैं। ब्रह्म के उस स्वरूप को मैं तुझे संक्षेप में बताता हूँ। हे अर्जुन, शरीर के विषयों में के प्रवेश करने के इन दरवाजों को बंद करके अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटाकर और मन को हृदय में रोककर अपने प्राणवायु को भावों के बीच में स्थापित कर मनोनिरोध रूप स्थिरता को प्राप्त हुआ जो मनुष्य एक वर्ण रूप ओम ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ उस ओम के लक्ष्य रूप मुझ ईश्वर का चिंतन करता हुआ शरीर को छोड़ता है, वह सर्वश्रेष्ठ गति को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, जो पुरुष एक चित्त हो परमेश्वर का सदा ध्यान करता है उस सदा समाधिस्थ कर्मयोगी मनुष्य को मैं सदा सुलभ हूँ। वे परम सिद्धि परमात्मा मुझे प्राप्त होकर फिर से दुख के घर क्षण भंगुर जन्म के चक्कर में नहीं फंसते हैं। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर
हे अर्जुन, ब्रह्म लोक से लेकर भूतल लोक पर्यंत सब लोक ऐसे ही हैं। इनमें पहुंचता हुआ मनुष्य फिर फिर जन्म लेता है, परंतु जो पुरुष मुझे ईश्वर को प्राप्त कर लेता है उसका फिर जन्म नहीं होता। दिन रात के परिणाम को जानने वाले जानते, ब्रह्म का दिन हजार चतुर्युगों के बराबर होता है और इतनी ही रात्रि है। मनुष्य का एक वर्ष देवताओं का एक अहोरात्र कहलाता है। ऐसे 12,000 वर्षों की चतुर्युगी कहलाती है। यही ब्रह्म का एक दिन है। एक दिन है। ऐसे दिनों में 100 वर्षों की ब्रह्मा की आयु है। अर्थात ब्रह्मा भी इस प्रकार शांत है। सब पुरुष दृढ़ भूत ब्रह्म के इस दिन के आरंभ होते ही प्रकट हो जाते हैं और रात्रि के प्रारंभ होने पर ही उसमें लीन हो जाते हैं। यही प्रकट और प्रकट होने के भूत समुदाय दिन और रात्रि के चक्कर में प्रकट और अप्रकट तो होता रहता है, परंतु उस अव्यक्त प्रकृति से श्रेष्ठ जो दूसरा नित्य अभिव्यक्त है वह सर्वश्रेष्ठ चेतनता से व्यक्तव्य अव्यक्त होने पर भी नष्ट नहीं होता। उस अव्यक्त अक्षर को परम गति कहते हैं। वही मैं सर्वश्रेष्ठ गंतव्य स्थान हूँ, जिसको प्राप्त होकर फिर जन्म के चक्र में नहीं फंसते हैं। हे अर्जुन, जिस परमात्मा के अंतर्गत सब भूत हैं, जिससे यह सब संसार परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष अन्यमन्य भक्ति प्राप्त होने योग्य। हे अर्जुन, जिस समय शरीर छोड़ने से योगी जन जन मरण के बंधन में फंसते हैं या नहीं फंसते, वह तुझे बताता हूँ। प्रातः काल सूर्योदय समय दिन शुक्ल पक्ष उत्तरायण के 6 मास माग से लेकर इसमें शरीर छोड़ने वाले ब्रह्म वेत्ता कर्म सन्यासी परम ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, फिर नहीं जन्मते। सायंकाल रात्रि कृष्ण पक्ष दक्षिणायन के 6 महीने श्रावण से लेकर इसमें शरीर छोड़ने वाला ज्ञानहीन सकाम कर्मयोगी स्वर्ग फल को भोग कर पुनः शरीर धारण करता है। संसार में ये 2 शुक्ल और कृष्ण मार्ग सदा से माने गए हैं। देवयान पितृयान इन्हीं का नाम है। एक मार्ग पर चलने वाला मुक्त हो जाता है, दूसरे मार्ग पर चलने वाला पुनः जन्म लेता है। हे अर्जुन, इन दोनों मार्गों के जानने वाला योगी कभी भूलता नहीं है, अतएव तू भी सदा ऐसा कर्म योगी बन। इस रहस्य को जानने वाला योगी वेद जानने और यज्ञ तप एवं दान करने से प्राप्त पुण्य फल से अधिक उत्कृष्ट फल पाता है और सनातन ब्रह्म के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्यावर रामचंद्र की जय, नमो राघवाय, जय जय श्री सीताराम। इति श्रीमद् भागवत गीता उपनिषद ब्रह्म विद्यार्थो योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ब्रह्म अक्षर ब्रह्म योगा नमः अष्टो अध्याय समाप्त। भोला वृंदावन बिहारी लाल की।